पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस लाइन इलाके की एक मस्जिद में धमाका हुआ है। इस आत्मघाती बम धमाके में अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है और 120 लोग घायल हैं। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस ने बताया कि जब धमाका हुआ तब मस्जिद में प्रार्थना के लिए काफी लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि धमाके के कारण मस्जिद का एक हिस्सा गिर गया है, जिसके नीचे काफी लोगों के दबे होने की आशंका है। गुजरात दंगों पर पीएम मोदी को लेकर बनाई गई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इस मामले पर देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी करार दिया। गुजरात दंगों के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप को साझा करने से रोकने वाले एक सरकारी आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते मामले पर सुनवाई करेगा। आज यानी 30 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार भारी उतार चढ़ाव वाले सत्र में हरे निशान पर बंद हुआ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को घरेलू शेयर बाजार के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स सकारात्मक नोट पर बंद हुए हैं। आज 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स 169.51 यानी 0.29% की बढ़त के साथ 59,500.41 के लेवल पर बंद हुआ है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी का निफ्टी 44.60 अंक यानी कि 0.25% की तेजी के साथ 17,648.95 के लेवल पर कारोबार का अंत किया। सरकार ने संसद का बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा बुलाई गई रस्मी बैठक 30 जनवरी को दोपहर में संसद भवन की एनएक्सी बिल्डिंग में आयोजित हुई। ऐसी उम्मीद है कि बैठक के दौरान सरकार संसद के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग मांगेगी। विपक्षी दलों के बैठक के दौरान अपनी चिंताओं को और सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों को सामने रखने की उम्मीद है।